और हमारे संवाददाता जय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं तमाम सारी अपडेट के साथ में। जय, इस बार के बजट से जिस तरह की उम्मीदें मिडिल क्लास फैमिली लगाकर बैठा था कि कोरोना काल के बाद इस बार का बजट पेश किया जा रहा है, हालांकि वित्त मंत्री ने भी संकेत दिए थे कि इस बार का जो बजट होगा वो पिछले 100 सालों से बिल्कुल अलग होगा, तो इसलिए मिडिल क्लास को काफी उम्मीदें थी क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के छोटे मोटे उद्योग बंद हो गए, नौकरियां चली गई, तो इस बार के बजट में मिडिल क्लास पर इतना फोकस नहीं किया गया। बिल्कुल, लोगों ने उम्मीदें लगा रखी थी कि कहीं ना कहीं मिडिल क्लास वालों को भी जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा इस बजट में सुविधाएं देखने को मिलेंगी, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके का बजट आया है ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक अलग तरह का बजट है, जिसमें आपको बता दें कि लगातार किसानों के लिए बात की गई है कि उनकी जो आय है उसको 3 गुना करने की बात, साथ ही साथ आपको बता दें जो स्वास्थ्य को लेकर था तो स्वास्थ्य को लेकर बजट बनाया गया, और कहीं ना कहीं जो आपको बता दें कि सभी विभागों को ध्यान में रखा गया, चाहे वो जलकल विभाग हो, चाहे वो सुकन्या योजना हो, चाहे वो आपके LIC हाउसिंग लोन हो, चाहे वो आपका, मतलब कुल मिला के उन्होंने सभी विभागों का ध्यान देते हुए आज का जो बजट बनाया गया है वो आपको बता दें, साथ साथ उसमें जो 75 वर्ष से ऊपर हैं उनका भी इनकम टैक्स की छूट के लिए बात कर दी, तो कहीं ना कहीं जो आज का ये बजट आया है ये अपने आप में एक अलग तरह का बजट है, और इसमें जिस तरीके का बजट बनाया गया है तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास है उनको कहीं ना कहीं तो अभी भी जो चाह रहे थे वो पूरी तरह से उनको नहीं मिल पाया, जबकि यहाँ मेट्रो, रेलवे, बस सारी सुविधाओं को देखते हुए आज जो बजट बनाया गया ये एक अहम बजट था, इस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई थी, कोरोना काल था, कोरोना काल के बाद लोगों ने उम्मीदें लगा रखी थी कि जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे वो अब कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे थे जो आज का बजट आएगा तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक अच्छा शुभ लायक होगा, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए लाभदायक होगा, तो वो देखने में अभी तक यही मिल रहा है कुल मिला के कि जो बजट पास हुआ है वो कहीं ना कहीं सरकारी लोगों को बढ़ावा दिया गया है, और कहीं ना कहीं आपको बता दें जिस तरीके से जो सरकारी चीज़ें हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है और मिडिल क्लास को उतना अभी ध्यान नहीं दिया गया। जी धीरे, महंगाई पर भी कुछ ज़्यादा कुछ फोकस नहीं किया गया, महंगाई पर भी इस बार के बजट में ज़्यादा बातें नहीं की गई, हालांकि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की गई, आने वाले दिनों में इस बजट का असर भी दिखाई देगा, लेकिन फिलहाल तौर पर जो राहत देनी चाहिए थी लोगों को महंगाई पर उस पर कोई बात नहीं हुई। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, आपको बता दें जिस तरीके से लोगों से बात की गई थी कहीं ना कहीं जिससे पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ रहे थे, सब्जी के दाम बढ़ रहे थे, फल को लेकर दाम बढ़े थे, उन पर बात चल रही थी कि लगातार जो महंगाई चल रही है महंगाई को लेकर कुछ ना कुछ आज के बजट में अवश्य निकल के आएगा, लेकिन जिस तरीके से अभी बजट बना है उस बजट में कहीं भी किसी तरीके की कोई महंगाई की बात ही नहीं की गई, और जो लघु उद्योग थे, छोटे छोटे लोग थे, दुकानदार थे, वो कहीं ना कहीं अपनी दुकानों को लगाकर जिस तरीके से जीविकोपार्जन कर रहे थे, लेकिन उनको भी देखा जाए तो उनके हिसाब से भी कोई अभी इस तरह के बजट में लाभ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो जो लाभ नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल एरिए के लोग हैं या बड़े बड़े सरकार के लोग हैं या सरकारी जो योजनाएं हैं उनमें केवल असर देखने को मिल रहा है। जी जी जय, तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो काफी चीजें सस्ती की गई हैं और कुछ चीजें महंगी भी की गई, जैसे कि जो बाहर से निर्यात किया जाता है उन पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया गया है, विदेशी मोबाइल फोन हो या फिर कपड़े हो या फिर खाद्य प्रोडक्ट हो उन पर टैक्स को बढ़ा दिया गया है। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जावेद चौधरी भी ग्राउंड से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जावेद, बजट पेश हो चुका है, मिडिल क्लास का उतना जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आ रही है इस बजट को लेकर, खासकर किसानों की, क्योंकि आप लगातार जो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है पिछले 60 दिनों से उसको कवर करते रहे, तो इस बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं किसानों की देखने को मिल रही? देखिए धीरे धीरे मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें थी वो उन उम्मीदों के विपरीत थोड़ा सा बजट गया है, क्योंकि साफ तौर पर आपको बता दूं कि जिस तरीके किसानों से अगर बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बजट से हमें उम्मीद है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में यानी कि किसानों को काफी फायदा होगा, और इस बजट से उन लोगों की जो जीवन यापन करने वाली चीजें यानी जो खेत मतलब इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं उनसे थोड़ी सस्ती होने की उम्मीद थी, और हालांकि वो उन पर ऐसा कोई खास असर नहीं पड़ा है, और सबसे जो मिडिल क्लास के लोग थे उनको भी इसी बजट से कोई भी ऐसा कोई फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दिया है, और सबसे बड़ी बात बता दूं कि एक फायदा जरूर दिखाई दिया है, जो स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं बजट में थोड़ा फायदा, क्योंकि कोरोना काल के बाद में जिस तरीके से लोगों को काफी दिक्कतें आ रही थी और दवाइयों कुछ ऐसे उपकरण थे जो महंगी थी उनको सस्ती कर दी गई है, और जो
सबसे बड़ी इस बजट की खास बात ये रही है कि जो आत्मनिर्भर वाली पार्टी चल रही थी उसको खासतौर पर ध्यान रखा गया है, और जो मेक इन इंडिया की बात की गई है उस पर भी खासतौर पर ध्यान दिया गया है। जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होने वाली चीज थी उन पर थोड़ा सा अपनाया गया है खासतौर पर। अच्छा, मिडिल क्लास के लोगों की हम लोग बात की, उनसे हमने किसानों से बात की, तो उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सरकार से जिस चीज की उम्मीद थी, जिस बजट की उम्मीद थी, वो नहीं आया, और अब जो मिडिल क्लास लोग हैं उनको काफी दिक्कतें आ रही है। और सबसे बड़ी आपको एक चीज और बता दूं आपको कि लगभग मिडिल क्लास के जो लोग हैं उन लोगों को काफी दिक्कतें इसलिए भी आई है क्योंकि उनको उम्मीद थी कि आपके इस बजट के अंदर कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर की जहां बात चल रही है वो बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि उन लोगों को खासतौर पर रोजमर्रा की चीजें, इलेक्ट्रॉनिक कोई ऐसी चीजें थी वो बिल्कुल उनसे विपरीत बजट रहा है। सरकार से जो उम्मीद लगाई जा रही थी उसमें सरकार विफल दिखाई दी है। तमाम सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाए हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।